दिल्ली के चांदनी चौक में तिलक बाजार स्थित पिपलेश्वर महादेव मंदिर को जीर्णोद्धार के बाद आज फिर से भक्तों के लिए खोला गया। आज शिवरात्रि का पावन पर्व है। इस अवसर पर भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री एवं भूतपूर्व सांसद माननीय विजय गोयल जी एवं चांदनी चौक के निगम पार्षद रवि कप्तान जी भी उपस्थित रहे। विजय गोयल जी एवं रवि कप्तान जी ने विधिवत रूप से पूजा अर्चना करके भगवान शिव का जलाभिषेक किया एवं जनता के सम्मुख अपने विचार भी प्रकट किए। छह महीने में बनी है सर। सारे जनवरी के साथ कौन कौन बैठते हैं? गणेश जी बैठते हैं, गणेश जी, पार्वती जी, कार्तिक जी, पूरा परिवार, शिव परिवार, गणेश जी, लक्ष्मी जी, गौरव, पार्वती, कार्तिक, नंदीश्वर, रवि मंदिर। जयकारे वीर बजेंगे। ये मंदिर मंदिर कितना पुराना है? मंदिर ये लगभग आजादी के बाद से मंदिर है ये। गुरुद्वारा और मंदिर दोनों साथ साथ बने थे, लेकिन जीर्णोद्धार इसका हमारे नाना सत्यनारायण जी के सुपुत्र सुशील साहू जी इनके परिवार ने और यहाँ के समाज के लोगों ने किया है। और आज सब बड़े बड़े समाज के क्षेत्र के लोग यहाँ आए। माननीय विजय गोयल जी हमारे बीच में है, पूर्व केंद्रीय मंत्री, वो आशीर्वाद लेने भी आए और अपने मुख से कुछ हम लोगों के लिए कुछ कहेंगे। भाई विजय गोयल जी, देखिए तिलक बाजार चौक स्थित ये जो मंदिर है ये आज़ादी से पहले का और इसकी बड़ी मान्यता है। पहले ये पीपल के पेड़ के नीचे मंदिर होता था, इसमें सभी भगवानों की मूर्तियां थी। अभी सुशील जी और अन्य लोगों के प्रयास से इसका नवीनीकरण नूतन मंदिर बन गया है। मूर्तियां इतनी सुंदर बनी हैं कि मैं बता नहीं सकता। एक अलग तरह की किरणें इसमें से निकलती है, अलग तरह से सुगंध फैलती है। मैं समझता हूँ
यहाँ आशीर्वाद लेकर रोज सवेरे दुकानदार अपने काम पे जाएंगे, जो यहाँ रहने वाले लोग हैं वो आशीर्वाद देंगे। और सबसे बड़ी अच्छी बात यह है, इसमें लगभग हर देवी देवता की मूर्ति है, जिसके साथ जैसी भावना हो वैसी आदमी यहाँ पूजा कर सकता है। अजमेर से जयपुर राजस्थान के कारीगरों ने बहुत ही सुंदर बनाया है और बड़े विधि विधान से इसकी स्थापना हुई है। मेरा तो चांदनी चौक से पुराना नाता है, छोटा हो बड़ा हो कोई कार्यक्रम हो, मैं चांदनी चौक के कार्यक्रम में यथासंभव पहुंचने की पूरी कोशिश करता हूं। जैसा कि हम सभी जानते हैं विजय गोयल जी यहाँ से काफी समय से जमीन से जुड़े हुए नेता रहे हैं और बच्चा बच्चा विजय गोयल जी के बारे में जानता है, और विजय गोयल जी समाज के प्रत्येक कार्य में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। और आज हम सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म के लिए आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आज शिवरात्रि है, आज कांवड़ वाले लोग जो है बड़ी दूर दूर से कांवड़ लेके आते हैं और जल चढ़ाते हैं। तो इसी अवसर पर इस मंदिर का जो है दोबारा से जीर्णोद्धार किया गया है और उसमें हमारे धर्मवीर शर्मा जी और बाकी सुशील साहू जी, दिलीप गोयल, ये सभी लोगों ने बढ़ चढ़ के यहाँ पर हिस्सा लिया है और विजय गोयल जी ने आकर के अपना पूर्ण योगदान दिया है इसके अंदर, और आगे भी जो भी कार्य होता रहेगा उसमें विजय गोयल जी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते रहते हैं और लेते रहेंगे। धन्यवाद।